In this slide, we are going to continue the discussion that we were doing about copyrights. तो सबसे बड़ा इशू जो हमारा आता है कि कॉपीराइट का जो मालिक है वो कौन होगा. तो ये तो हमने देखा कि जो उसका जो ओनर होगा, जो आपका फर्स्ट ओनर है, वो उस कॉपीराइट का मालिक है, जो उसका ऑथर है वो उसका मालिक है, और उसके पास 6 इख्तियारात होंगे जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे. ऑथर को, जो क्रिएटर है, उसको हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं. हम उसके रोल को कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, अगर उसने कोई साउंड रिकॉर्डिंग बनाई है तो हम उसको बनाई है, अगर उसने साउंड रिकॉर्डिंग खुद से बनाई है तो हम उसको प्रोड्यूसर ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग कहेंगे, ठीक है. और उसके पास उसकी जो कंपोजिशन है उसके इख्तियारात जो है वो प्रोड्यूसर के पास होंगे. अगर कोई मूवी बनाई है तो उसका जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो उसका मालिक होगा या उसके पास उसके कॉपीराइट होंगे. अगर किसी शख्स ने ट्विटर के ऊपर या रेडियो के ऊपर कोई तकरीर की है, कोई ब्रॉडकास्ट की है, तो उस ब्रॉडकास्ट के जो मालिक है वो उस ब्रॉडकास्ट को करने वाला बजाते खुद जो है वो उसका मालिक कहलाएगा. अगर आपने किसी किस्म का कोई प्रोग्राम टीवी के ऊपर या केबल के ऊपर कोई परफॉर्म किया है और आपने किसी किस्म की कोई सर्विस दी है वहाँ पर, तो उसका जो ऑथर है वो उसको हम लोग केबल प्रोग्राम ऑथर को हम लोग उसका मालिक कहेंगे. अगर किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट है पब्लिश्ड एडिशन की, टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट आपने की है, यानी कि आपने कोई किताबों का मजमूआ बना के शाया किया है, तो उसको हम पब्लिशर के नाम से जानते हैं. यानी कि इसकी मिसाल पब्लिशर्स जो आपके पास आते हैं अक्सर, ये जो रिसर्च के जर्नल्स होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से ये लोग रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो लेते हैं और उनको वो फाइन ट्यून करके, एक्सेप्ट करके, ऑथर से लेके वो उसको पब्लिश करते हैं. तो वंस दे टेक द दैट रिसर्च पेपर फ्रॉम दैट ऑथर, तो अब उसके जो मालिक हैं वो कौन बन जाते हैं? उस मालिक, उस आर्टिकल की, इस अरेंजमेंट के मालिक वो पब्लिशर बन जाते हैं, ठीक है. उनका वो जो जर्नल होता है, उस टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट का जो वो है ओनर है, दे बिकम द पब्लिशर्स ऑफ दैट जर्नल, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी हैव. इसी तरह अगर किसी किस्म का कोई मूवी है या कोई ड्रामेटिक चीज है, वो आपने बनाया है और वो बनाया हुआ काम कंप्यूटर ने जनरेट किया है, इंटायरली कंप्यूटर ने जनरेट किया है, ठीक है, तो वो काम उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक जो है वो कंप्यूटर नहीं बन जाएगा, बल्कि उसका मालिक जिसके पास वो प्रोग्राम होगा जो ये जनरेशन कर रहा है, वो बेसिकली उस कंप्यूटर जनरेटेड मटेरियल का मालिक होगा. आजकल हम ये बड़े यूजुअली देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो म्यूजिक भी बना के दे सकता है, कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो है वो बातें भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारा जो जनरेटेड ऑडियो होता है और जनरेटेड रिटन वर्क होता है, जनरेटेड पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हूएवर ओन्स दैट प्रोग्राम, ठीक है ना. अगर ऑथर जो है वो खुद कहीं एम्प्लॉई है तो फिर वो उसका मालिक नहीं बन जाता. तो हमें एक रूल, इस जनरल रूल में एक्सेप्शन लानी पड़ेगी. अगर वो कहीं पर किसी के लिए नौकरी करता है तो उस सूरत में वो जो भी उसने काम किया है, जो भी उसने लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क किया है, तो एम्प्लॉई जो है वो उसका जो मालिक होगा वो उसका एम्प्लॉयर होगा, उसका जो फर्स्ट ओनर होगा दैट वुड बी द एम्प्लॉयर, जिसने इस एम्प्लॉई को हायर किया है इस पर्पज़ के लिए, वो उसका मालिक होगा और उसके पास इख्तियार होगा कि वो उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे. सो वी सॉ दैट कॉपीराइट इज ओन्ड बाय अ सेट ऑफ पीपल एंड वी कैन कॉल देम प्रोड्यूसर्स, वी कैन कॉल देम डायरेक्टर्स, वी कैन कॉल देम ऑथर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ए कॉपीराइट. आखिर किस कदर वक्त लगेगा आपके कॉपीराइट को चलने में? क्या कॉपीराइट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का हमेशा रहता है या कोई अपर लिमिट उसकी है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाता है? तो उसका जवाब कुछ यूँ है कि कॉपीराइट फॉरएवर नहीं चलता, और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ वर्क जो है वो कॉपीराइट एक्सपायर भी हो जाता है.
अगर वो किसी किस्म का लिटरेरी वर्क है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसकी जो एक्सपायरी है वो है 70 साल, और वो 70 साल शुरू होते हैं आपके बनाने वाले या ऑथर के मरने के बाद, यानी कि ऑथर की जिंदगी, और उसके 70 साल तक वो जो कॉपीराइट है वो उस ऑथर के नाम पे रहेगा। अब यकीनन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा जो है वो जाती तौर पे उस जो प्रॉपर्टी उसने क्रिएट की है उसको अपने मरने के बाद उसको बेनिफिट हासिल करे। तो उसका जो बेनिफिट है वो उस ऑथर के जो बच्चे होते हैं या जो डिपेंडेंट्स होते हैं या जो मालिकान होते हैं उसकी इनहेरिटेंस के, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं फॉर द नेक्स्ट 70 ईयर्स, अगले 70 साल तक उसका वो फ़ायदा उठाने के कानूनी तौर पे इख्तियार रखते हैं वो। इसकी मिसाल हमारे पास बड़ी जो मशहूर है, जिस तरह माइकल जैक्सन है वो जब वो मर गया, या एल्विस प्रेस्ले जो है जो 1960s में फौत हुआ था, तो एल्विस प्रेस्ले के गाने अभी भी जो है लोग खरीद के सुनते हैं और उसमें अभी भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। माइकल जैक्सन के गाने जो हैं वो अभी भी फरोख्त होते हैं और वो अभी भी जो है वो जो है उनकी फरोख्त की जो इनकम है वो जनरेट हो रही है। 1970s में जो बनने वाली जो मूवीज़ हैं वो अभी भी जो है लोग देखते हैं और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, चाहे थोड़ा ही सही, वो अभी भी उनके मालिकान को मिल रहा है। लेकिन शर्त क्या है? 70 ईयर्स। 70 साल जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो जो जो भी काम है वो उसका कॉपीराइट लॉ खत्म हो जाता है और वो पब्लिक वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी मिसाल जो है वो 70 साल पुराने जितने भी मूवीज हैं, गाने हैं या किताबें हैं, जो भी काम 70 साल पहले बनाया गया था, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, वो सब उसका कॉपीराइट एक्सपायर हो चुका है और वो अब पब्लिक डोमेन में है, यानी कि उसका कोई भी शख्स किसी तरीके से भी फायदा उठा सकता है और उसकी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट, अगर कोई काम जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है तो उस सूरत में कॉपीराइट लॉ जो है वो 50 साल बाद तक चलेगा, जब जब वो बनाया गया था उसके अगले 50 साल तक वो उसका कॉपीराइट जो है वो सर्वाइव करेगा। कंप्यूटर जनरेटेड वर्क जो है, क्योंकि कंप्यूटर तो मर नहीं सकता, तो कंप्यूटर जनरेटेड वर्क की जो उम्र होती है वो जब वो बनाया गया हो उसके 50 साल तक जो है उसकी एज या उसकी कॉपीराइट लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उसकी जो इनकम होगी वो उस प्रोग्राम के जो ओनर है उसके पास वो रहेगी फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। सिमिलरली फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग्स, इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ साउंड्स, योर ओन साउंड्स और समवन एल्सेस साउंड, देन दैट कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट वुड लास्ट फॉर द 50 ईयर्स फ्रॉम द डे इट वॉज रिलीज्ड, यानी कि जब वो बना था, रिलीज हुआ था, उसके बाद से अगले 50 साल तक वो कॉपीराइट लॉ जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। सिमिलरली मूवीज की अगर हम बात करें तो मूवीज का लॉ जो है, मूवीज का जो कॉपीराइट है वो रहेगा कब तक? वो रहेगा हाँ जब तक वो शख्स जिंदा है और उसके 70 साल बाद तक, ठीक है, वो उसका कॉपीराइट रहेगा, चाहे वो डायरेक्टर है, ऑथर है स्क्रीन प्ले का, चाहे वो ऑथर डायलॉग का ऑथर है, चाहे वो म्यूजिक का कंपोजर है, उन सब के जो लॉज हैं, सॉरी कॉपीराइट्स हैं, वो 70 ईयर्स आफ्टर द डेथ, ठीक है ना, वो उसके बाद तक जो है इसका कॉपीराइट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने किसी किस्म का कोई ब्रॉडकास्ट किया है, यानी कि आपने ट्विटर के ऊपर कोई लेक्चर दिया है, आपने यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर दिया है, जिस तरह ये लेक्चर आपके सामने है, या कोई और आपने क्रिएटिव काम किया है, तो यानी कि जिस तरह ये क्रिएटिव स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई हैं और इसके ऊपर वॉइस ओवर जो मैंने किया है, तो ये कब तक रहेगा? ये ब्रॉडकास्ट के होने के 50 साल बाद तक, यानी कि ये जो ब्रॉडकास्ट मैंने किया है यूट्यूब के ऊपर, ये ब्रॉडकास्ट के 50 साल बाद तक ये जो है ये इसके कॉपीराइट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, और ये 50 साल तक इसका जो भी बेनिफिट होगा, वो जो भी ओनर होगा उसको मिलेगा, जो कि इस केस में मैं हूँ। खैर, मुझे और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय आपके दुआओं के, ठीक है, क्योंकि मोनेटाइजेशन मैंने ऑफ की हुई है इस स्लाइड सेट के ऊपर। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, जिसे हम बेसिकली कॉपीराइट की पामाली भी कह सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सबसे जो बुनियादी और बेसिक टाइप है
और जो सबसे यूजुअल टाइप जो हम देखते हैं उसका नाम कॉपिंग के नाम से है। और बेसिकली कॉपिंग काफ़ी सिंपल सी बात है जो कि हम देखते भी हैं जब आप लोग असाइनमेंट्स की कॉपी करते हैं। एक आपका जो लाइक स्टूडेंट होता है वो डेवलप करता है एक असाइनमेंट जेन्युइन तरीके से, और उसके बाद उस असाइनमेंट को उसके फ्रेंड्स, उसके बाकी जो सर्कल में उसके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो उसको कॉपी करते हैं अनजाने में या जानते हुए। इस अमल को हम बेसिकली कॉपिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी भी ओनर की इजाज़त के बगैर उसका लिटरेरी वर्क, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्राम हो या वो कोई ओरिजिनल डेटाबेस हो, अगर हम उसकी इजाज़त के बगैर कॉपी करते हैं तो ये उसके जो हकूक है उसकी पामाली है या उसके कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट है। कॉपिंग की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक टाइप तो ये है कि आप उसको किसी फिजिकल फॉर्मेट में कॉपी करते हैं, यानी कि किसी पेपर के ऊपर लिखते हैं, किसी बोर्ड के ऊपर आप उसको मेंशन करते हैं, या कोई और फिजिकल मीडियम यूज करते हैं उसको कॉपी करने के लिए। मॉडर्न तरीके ये हैं कि आप उसकी कॉपी बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक यूज में यूएसबी ड्राइव अगर आपको यूज कर रहे हैं और यूएसबी में आप सेव कर रहे हैं, या आप उसको इंटरनेट पे किसी जगह पर सेव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप मेगा अपलोड्स पर कोई म्यूजिक जो है उसको अपलोड करते हैं, या आप सॉन्ग्स डॉट पी के ऊपर कुछ गाने जो हैं वो अपलोड करते हैं इस नीयत से ताकि आप उसको लेटर ऑन बेच सकें, या आप उस डेटा को अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी करते हैं, या आप उस डेटा को अपने जो मोबाइल फोन है उसमें आप कॉपी करते हैं, रैम में अगर आप उसको लेके आते हैं प्ले करने के लिए तो ये भी कॉपिंग में शामिल है। यानी कि किसी भी फॉर्मेट में अगर आप उसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो कॉपिंग कहलाएगा और दैट इज नॉट अलाउड। इवन इस हद तक कि अगर आपने उसको बैकअप कॉपीज को भी रखा हुआ है तो कभी कभी उसकी भी इजाजत नहीं होती कि वो भी आप कर सकें। यानी कि कॉपिंग की जितनी भी वेरियस फॉर्मेट्स हैं वो सारी वेरियस फॉर्मेट्स में है वो डिसअलाउड है। अगर आपकी कॉपीज जो हैं वो टेम्परेरी हैं, यानी कि आप मिसाल के तौर पे सिर्फ कोई गाना एंजॉय करने के लिए टेम्परेरी तौर पे आपने उसको डाउनलोड किया, उसकी कॉपी बनाई अपने पास, उसको आपने एंजॉय किया और उसके बाद आपने डिलीट कर दिया, या मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मूवी जो है वो आपने डाउनलोड की है और आपने बहुत इसको एंजॉय किया है और आपने इलीगल तरीके से उसकी कॉपी की है, यानी कि आपने उसको टोरेंट से डाउनलोड किया है, या जो बेशतर ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मूवी जो है वो डायरेक्टली प्लेएबल होती है, तो ये अमल जो है उनकी कॉपीराइट की पामाली होगा। और इस काम को करने से इवन दो कि आप उसकी सिर्फ एक टेम्प्रेरी कॉपी रख रहे हैं, आप उसको परमानेंटली अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर नहीं कर रहे, या तो वो भी अलाउड नहीं होगा। इसको हम ट्रांजिएंट या टेम्प्रेरी कॉपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी आती है कि किसी एक शख्स ने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो सॉफ्टवेयर हूबहू एग्जैक्टली उसी तरह का किसी और शख्स ने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करके मार्केट में ले आया है, तो अब ये कैसे प्रूफ होगा कि इन दोनों में से ओरिजिनल किसका है और कॉपी किसका है? अब ऐसा ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें एक ही साल में कुछ डिस्कवरीज जो हैं, मिसाल के तौर पे फिजिक्स की कोई डिस्कवरी अगर हुई है, एक ही साल में डिस्कवरी एक शख्स ने की और उसी साल में दूसरे शख्स ने भी वही डिस्कवरी कर दी, और एक को नोबेल प्राइज मिल जाता है, दूसरा जो है वो रह जाता है। लेकिन कम से कम उसके ऊपर आप कॉपीराइट लॉ की खिलाफ वर्जी की कोई जो है लॉज अप्लाई नहीं करते, कम से कम एटलीस्ट दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून इसकी कोई पॉसिबिलिटी रखता है? तो प्रिडोमिनेटली कानून अगर किसी किस्म का कोई शख्स अगर किसी के पास कॉपी पाई जाए तो वो यही एज्यूम करेगा कि इसने इसको कॉपी किया है। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और एक और शख्स जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एक कॉपी उसने खुद से बना ली है, उसका नाम उसने जो है परवेज विंडोज रख दिया है, तो परवेज विंडोज जो है वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में हो जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ यही समझेगी विद 99% प्रोबेबिलिटी कि इस शख्स ने ये विंडोज जो परवेज विंडोज है ये बेसिकली इट्स अ कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये एक एक्सीडेंटल वाकया है और आपका बेसिकली इरादा नहीं था कॉपिंग का, लेकिन इनएडवर्टेंटली आपने कॉपी कर ली है, समहाउ दोनों एक ही तरह के बन गए,
तो इसके लिए फिर आपको साबित करना पड़ेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉपीराइट यानी कि कॉपीराइट को तोड़ना, वो अमल आपको साबित करना होगा कि आपने नहीं किया और आपने इसको अनकॉन्शियसली कॉपिंग किए बगैर किसी किस्म का हेल्प लिए बगैर खुद ही आपने बनाया, और ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल तरीके से ये वाकया हुआ है कि दोनों कॉपीज बिल्कुल सिमिलर बन चुकी हैं। लेकिन एज अगेन इट इज अ वेरी रेयर इवेंट एंड मोस्टली अ कोर्ट ऑफ लॉ वुड कंसिडर एनी काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू प्रोडक्ट्स एज अ कॉपिंग अटेम्प्ट, एंड हुएवर हैज द पेटेंट्स और द प्रीवियस कॉपीराइट विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर एनीवन एल्स हु हैज अ कॉपी ऑफ इट और अ क्लोज वर्जन रिजेम्बलिंग दैट ओरिजिनल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है वो आपको नजर आते हैं और आपने ये प्रूफ करना है कि ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया है ये बेसिकली आपने किसी और से कॉपी नहीं किया था बल्कि ये आपकी अपनी क्रिएशन है, और इन दो प्रोडक्ट्स की जो सिमिलैरिटी है इट्स ऑल अ कोइंसिडेंस, एक हसीन इत्तेफाक है। अब इस हसीन इत्तेफाक को प्रूफ करना जो है वो आपको अदालत में इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनमें से दूसरे की कॉपी की गई है और वो आइडेंटिकल कॉपी है या वेरी सिमिलर कॉपी है, लेकिन उसके बावजूद आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आपने इंडिपेंडेंटली थॉट रखी थी, ये एक इत्तेफाक हो गया कि दोनों सेम है। तो इसके लिए हम एक जो हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अदालती लैंग्वेज में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ वन ऑफ द थिंग हैज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द सेकेंड इज कॉल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट मीन्स दैट देयर इज नो वे दैट दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, वी आर श्योर अबाउट समथिंग, वी आर श्योर दैट दिस थिंग हैज हैपन्ड। अगर आपने अपनी आंखों से कोई वाकया होते देखा है और देन दैट मीन्स दैट दिस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसमें कोई शक व शुबे वाली कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, तो वो तो बड़ी आसान बात है। यानी कि कोई सबूत ऐसे हों जो कि इतने कंक्रीट हों कि उसको कोई डिनाई ना कर सके, उसका कोई इनकार ना कर सके, उसको हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहते हैं। दूसरा कोर्ट ऑफ लॉ में जो हमारे पास इस्तेमाल की जाती है इस्तलाह, या जो हमारे पास एक लॉ में सिचुएशन आती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई वाकया जो है वो क्लियरली जो है आप उसके दरमियान फैसला ना कर पाए, तो जो काजी होगा जज होगा वो एक अपनी जजमेंट इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग अपने फैसले को इख्तियार इस्तेमाल करेगा, और वो एक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी को बेसिकली इस्तेमाल करेगा कि क्या इम्कान है कि ये वाकया हो जाए। यानी कि किसी शख्स ने अगर कहीं पर चोरी कर दी है और आप देखते हैं कि वहां पर उसके हाथों के उंगलियों के निशान आपको वहां पर मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है कि इस शख्स ने वहां पर चोरी की है। लेकिन अगर कोई शख्स है जिसकी कोई जो है वो उंगलियों के निशान नहीं मिलते, लेकिन किसी ने उसको जाते हुए देखा था, उसी तरह से मिलते जुलते शख्स को जाते हुए देखा था चोरी करते हुए, और उस मिलते जुलते की पिक्चर जो है वो एक उसी 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 मुलजिम से मिल रही है, तो जज जो है वो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखता है और वो देखता है कि आज तक इसने कभी कोई चोरी की नहीं है, तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यही होगी कि ये शख्स जो है ये इसने चोरी नहीं की और इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी है और उससे पहले वो कोई कन्विक्शन में रह चुका है, तो फिर जज कहेगा कि अच्छा इसने ये काम पहले भी किया हुआ है, इसका मतलब है ये आगे होने का इम्कान भी है, इसका मतलब है वो गिल्टी है। तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मिक्स्ड पिक्चर होती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट आइडेंटिकल है तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको ये प्रूफ करना होगा एज अ डिफेंस काउंसिल या डिफेंस लॉयर, यू हैव टू आर्ग्यू दैट डिस्पाइट द सिमिलैरिटी कोई कॉपिंग नहीं है। आप ऐसे भी साबित कर सकते हैं कि डिफेंडेंट को कि हम इस शख्स के पास कोई किसी तरह का कोई रास्ता नहीं था जिससे इसके पास इस प्रोग्राम का कोई एक्सेस होता,
तो वो कैसे कॉपी कर सकता है जब उसके पास कोई तरीका ही नहीं था कि वो उसको कॉपी करता। या कॉपिंग जो है वो इसलिए भी हो रही है इस प्रोग्राम में या इस सॉफ्टवेयर में कि दोनों ने कुछ स्टैंडर्ड रूटीन, सब रूटीन जिस तरह जावा की होती हैं जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, और कोई भी उस टूल किट या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके सिमिलर किस्म का प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये सिमिलैरिटी बेसिकली पब्लिक टूल किट के इस्तेमाल की वजह से है, इसका कोई ताल्लुक ये नहीं है कि इसने कोई जानबूझ के किया। ये तो हमने एक सिचुएशन देखी। कॉपिंग की एक और सिचुएशन कुछ यूं भी हो सकती है कि आपने पूरा काम जो है वो कॉपी नहीं किया, इवन आपने ये भी नहीं किया कि आपने 50% कॉपी किया हो, ये भी नहीं किया आपने कि आपने 10% कॉपी किया हो, लेकिन कोई एक खास बात है जो कि मिसाल कोई किसी भी चीज की कोई पॉपुलर हो गई, कोई कोई गाना है उसमें कोई खास किस्म का साज जो है वो पॉपुलर हो गया, कोई लिरिक्स पॉपुलर हो गई, कोई एक पार्ट जो है वो पॉपुलर हो गया। ठीक है, आमतौर पे ऐसा देखने में आता है लिटरेरी एलिमेंट्स में कि किसी सॉन्ग का कोई कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि लोगों को एकदम से पसंद आ जाता है और वो हिट हो जाता है। तो इंस्टेड क्या वो पूरी सॉन्ग कॉपी करने के बजाय उसका जो सबसे फेमस एलिमेंट है वो जो वो फेमस उसका टच है, मिसाल के तौर पे आप अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो आप अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट रखें लेकिन उसका जो यूजर इंटरफेस है वो आप कॉपी कर लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ विंडोज से। तो इवन दो कि आपने पहले वैसे तो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है लेकिन आपने उसका जो की एलिमेंट है वो आपने चोरी कर लिया, तो उसको अभी हम एक सब्सटेंशियल कॉपी का नाम देंगे। सब्सटेंशियल का मतलब है एक बड़े हद तक कॉपी करना आपने किया है, इवन दो कि आपने एक्चुअली जो कॉपी बनाई थी वो इस कदर बड़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि आपने उसका जो सबसे पॉपुलर, उसका सबसे मशहूर, उसका सबसे ज्यादा जो चलने वाला आइटम था, उसका एरिया था, उसी को आपने कॉपी किया है, तो इसका मतलब है आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसको, ओरिजिनल प्रोडक्ट को अपनी कॉपिंग के जरिए। अच्छा, नॉन लिटरल कॉपिंग जो है वो हमारे पास कॉपिंग की एक और किस्म है। अब कॉपिंग की जो पहली किस्म हमने डिस्कस की थी उसमें तो हमने देखा था कि कोई शख्स जो है वो किसी और चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी जो है ना वो डेवलप कर लेता है, और मिसाल आपने किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट कॉपी की है तो आपने लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है उसको कॉपी कर लिया है। ठीक है ना, नॉन लिटरल कॉपिंग का मतलब है कि आपने उसको कॉपी जो है लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं किया लेकिन उसके अंदर से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने चोरी किया है और वो आपने अपने एरियाज अपने अपने सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपने उसको लिटरली वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं किया बल्कि उसको आपने जो है वो उसमें से जो उसका एसेंस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब आप असाइनमेंट चोरी कर रहे हैं किसी से तो आपने उसका देखा कि उसने इस शख्स ने 3 पैराग्राफ लिखे हैं, तो उस 3 पैराग्राफ में लिखे हुए जो भी माल है, जो भी लिखा हुआ है उसमें, जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको अपने लफ्जों में लिख दिया, उसी इंफॉर्मेशन को आपने अपने लफ्जों में लिख दिया, अब क्या ये कॉपिंग है? हाँ जी बिल्कुल कॉपिंग है, ये नॉन लिटरल कॉपिंग है, यानी कि आपने वर्ड बाय वर्ड कॉपी नहीं किया लेकिन आपने उसके अंदर लिखे हुए जो ख्याल है और उनकी अरेंजमेंट है उसको आपने कॉपी किया है और ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जब ख्याल की चोरी की बात आती है तो ये काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इसको प्रूव करना कि क्या ये कॉपी है या ये नहीं है कॉपी, ये बड़ा मुश्किल है। और क्या इस तरह की कॉपिंग को हमें हर हाल में रोकना होगा या नहीं रोकना होगा, पहला ये सवाल उठता है। आप मिसाल एक एम्प्लॉई जो है वो कहीं पर जॉब करता है और वहां पर वो एक खास डिजाइन के तहत, एक खास प्रोग्रामिंग स्टाइल के तहत एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और जब वो नौकरी छोड़ के किसी और कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो उसी स्टाइल में, उसी प्रोग्राम के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक नया प्रोग्राम जो है वो बनाता है, क्योंकि वो पुराने प्रोग्राम से फेमिलियर होता है, उसके स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शन से, उसकी रूटीन से, और वो उसी को जो है वो तकरीबन तकरीबन फॉलो करके नया प्रोग्राम बनाता है। बेसिकली आपने एडॉप्शन की है उसके स्ट्रक्चर को, उसके सीक्वेंस को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या हम इसको कॉपी कहेंगे? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉन लिटरल कॉपिंग जो है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही रखे हैं जैसे कि उस प्रोग्राम के थे, उसके एल्गोरिदम्स को आपने चोरी किया है, एल्गोरिदम्स को जो कि ओरिजिनल एल्गोरिदम्स थे, किसी एक प्रोग्राम के एल्गोरिदम्स आपने उठाए, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, आपने एल्गोरिदम उठाए और एज इट इज आपने जो है वो आपने
यूज़ कर लिए हैं, उनका थोड़ा बहुत आगे पीछे उनको चेंज करके, आपने थोड़ी मॉडिफिकेशन करके उनको अपने लफ्ज़ों में जो है इम्प्लीमेंट किया है, उनको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉपिंग। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट इन दैट द सेम थिंग। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है उसका स्टाइल जो है वो रखें और पता लगे कि ये उसी से सिमिलर है। इसकी एक जो मिसाल लेते हैं, मिसाल कोई गाना बड़ा पॉपुलर हो गया और आप उसकी लिरिक्स को हटा के उसमें अपनी लिरिक्स डाल देते हैं और सा जो का जो उसके पीछे म्यूजिक है वो सेम रहता है, तो आपने उसका मेजर पार्ट कॉपी किया है। ठीक है, आपने उसका उसकी जो नॉन लिटरल कॉपिंग की है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो गिटार में बना हुआ था, आपने गिटार के बजाय जो है पियानो इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, और लिरिक्स चेंज कर दी, तो ये फिर भी कॉपिंग है। इवन दो कि आपने गिटार यूज़ नहीं किया, आपने सेम लिरिक्स यूज़ नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉपिंग कहलाएगी। ठीक है, तो नॉन लिटरल कॉपिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शन टू दिस थ्योरी। ठीक है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें हम इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्शन जो है वो निकालते हैं। हमने देखा कि नॉन लिटरल कॉपिंग करना मना है और ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने जो है वो लफ्ज़ बलफ़ तो कॉपी नहीं किया, लेकिन आपने वही कॉन्सेप्ट जो है वही स्ट्रक्चर जो है वो एल्गोरिदम जो है वो आपने यूज़ कर लिया है और एक नया प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन ज़रूर है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, कोई शख्स भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आप एक जगह नौकरी करते हैं, वहाँ पर आप तजर्बा सीखते हैं कि प्रोग्राम्स को ऐसे बनाना चाहिए, कल को आप उसी तरह उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक नया प्रोग्राम डेवलप करते हैं और आपको कानून रोक दे कि खबरदार कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉपीराइट है उसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर दुनिया में तरक्की जो है वो रुक जाएगी। वी वुड नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड और सब कुछ स्टेगनेट हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। तो कानून जो है वो नॉन लिटरल कॉपिंग को तो अलाउ नहीं करता, लेकिन वो फिर भी ये कहता है कि चलें आपके पास कुछ जो है हम आपको मार्जिन देते हैं, और वो मार्जिन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है ना, और आइडिया आप कहते हैं कि यार मेरे पास एक जो है नया आइडिया है एक बिजनेस का करने का, कि मैं जो है फालूदे की एक शॉप लगाता हूँ। अब अगर आपसे ये एक आइडिया को चोरी करके कहता है कि यार आपका एक आइडिया था यूनिवर्सिटी रोड पे फालूदे की शॉप लगाने का, और मुझे वो आपका दोस्त या आपका दुश्मन आपसे कॉपी करके ले जाता है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, तो क्या क्या ये चोरी है? तो ये चोरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली बात है कि उसके जो वो जो आइडिया था वो कॉपीराइटेबल नहीं है, सिर्फ सोच जो है वो कॉपीराइटेबल नहीं है। आपका जो आइडिया है वो किसी कंक्रीट फॉर्म में जब इम्प्लीमेंटेड होता है तो उसको हम एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। आपका आइडिया, आपके फालतू की दुकान का आइडिया, अगर वो किसी दुकान के नाम से कहीं पर बनी हुई है, उसका कोई नाम है, उसका कोई ट्रेडमार्क है, तो उसको आप कॉपीराइट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लॉज लगा सकते हैं, लॉज की हेल्प ले सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है तो वो दैट इज़ नॉट अ वैलिड थिंग, इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय एनी लॉ। ठीक है, ओनली व्हाट इज प्रोटेक्टेड, एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, जब आप किसी को कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो लिखा हुआ प्रोग्राम प्रोटेक्टेड है, उस प्रोग्राम का आइडिया जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई प्रोग्राम है आपने लिखा है और उसका जो स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो आपने लिख ली, वो आपने बना ली, और हम कहते हैं कि ये आपके आइडिया की एक्सप्रेशन है, उस सूरत में उसको हम कहेंगे कि ये प्रोटेक्टेड है। अगर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, उसी एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए कोई और प्रोग्राम बनाएगा तो हम उसको नॉन लिटरल कॉपिंग के तहत वो कर लेंगे, इन्फ्रिंज वो कर लेंगे, रोक लेंगे, और ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट होगा, और कॉपीराइट कॉपीड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम एक इंजंक्शन की मदद से, यानी कि कानूनी रोकने के नोटिस की मदद से हम उसको रोक सकते हैं और डैमेजेस जो हैं वसूल कर सकते हैं। याद रहे, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन वो आपकी एक फॉर्म है, आपके आइडिया की एक्सप्रेशन की फॉर्म है। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडिया को, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडिया को, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कॉपीराइटेड है।
एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस आप यूज नहीं कर सकते, एग्जैक्ट सेम ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर आप किसी और प्रोग्राम को का यूज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ भी नहीं, आपको अपना खुद से स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जाहिर है सिमिलैरिटी आ सकती है, लेकिन वो सिमिलैरिटी जो है वो सब्सटेंशियल नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें जिसकी जो हमने सबसे बड़ी टाइप देखी थी उसका नाम था डायरेक्ट कॉपिंग या कॉपिंग। सेकेंड टाइप हमने जो देखी थी वो नॉन लिटरल कॉपिंग थी। उसकी इन ये जितनी भी हमने टाइप्स देखी उनमें जो मेजर एलिमेंट वो ये है कि जो शख्स कॉपी कर रहा है वो बजाते खुद कॉपी करने में मुलविस है, वो डायरेक्टली खुद कॉपी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ तो मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी भी शख्स से, और मैं इसका मतलब है प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट का मुर्तकिब हो रहा हूँ, यानी कि मैं वो प्राइमरी कल्प्रेट हूँ जो कॉपी कर रहा है, तो मैं प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट का मुर्तकिब हूँ। हमारे पास एक और टाइप आती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट या कॉपीराइट की पामाली का सेकेंडरी तरीका कुछ यूँ है कि आप खुद तो ये काम नहीं करते, यानी कि खुद तो आप किसी की कॉपिंग नहीं करते, खुद बजाते खुद आप कॉपिंग नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप कुछ और ऐसे फनी किस्म के काम करते हैं जिसकी जिसको हम सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के नाम से जानेंगे। अब इन सारे इलीगल कामों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे, सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। मिसाल के तौर पे आपके किसी दोस्त ने प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट की है और एक इन्फ्रिंज्ड कॉपी यानी कि एक चोरी शुदा कॉपी जो है मूवी की डाउनलोड करके उसने यूएसबी ड्राइव में रखी है और उसने आपको दे दी, और उसके बाद आपने उस कॉपी को खूब इंजॉय किया और बड़े मज़े से मूवी देखी और उसके बाद आपने डिलीट कर दी। तो अब हुआ ये कि आपने खुद से तो वो कॉपी नहीं की, आपने खुद से तो वो कॉपी किसी से डाउनलोड करके नहीं की, लेकिन आपने बेसिकली आपके दोस्त ने आपके लिए की थी, और लेकिन आपको भी उसने साथ बिठा के मूवी दिखाई या उसने आपको भी यूएसबी में उसकी एक कॉपी दे दी कि चलो यार तुम भी थोड़ा इंजॉय कर लो ये मूवी, तो अब आप सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये भी हो सकती है कि आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो किसी ने नेट से कॉपी किया है, उसको उसने ब्रेक किया है और उसके बाद ब्रेक करने के बाद उसने वो चीज़ आपको फराहम कर दी है कि यार आप भी इसको एंजॉय करो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। तो ये काम आपने खुद तो नहीं किया था, लेकिन किसी और ने आपको करके दिया और लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं इसलिए बगैर फीस दिए बगैर पेमेंट दिए, दिस वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। आप किसी किस्म का अगर बिजनेस चला रहे हैं या कोई बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जो है बिजनेस के दौरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास अगर कोई ऐसी कॉपी आती है किसी सॉफ्टवेयर की जो कि चोरी शुदा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चोरी आपने खुद तो नहीं की थी, लेकिन आपके कारोबार में आपके काम में वो चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसके जिम्मेवार हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसकी जिम्मेदारी से छुप नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आप जो है कोई आपने किसी किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपने पास इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने मिसाल के तौर पे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, आपने एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है और वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आप अपने पास यूज़ कर रहे हैं और वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो आपने अनजाने में किसी से ख़रीदा है और वो आपको पता नहीं था कि ये चोरी का है और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने जिससे ख़रीदा था आप समझ रहे थे कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन नहीं था, वो भी चोरी का माल था और आपने उसी चोरी के माल को अपने पास इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, तो दैट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। थर्ड हमारे पास ये है कि आपने जो आपको सॉफ्टवेयर मिला है अगर वो चोरी शुदा है आप उसको आगे किसी और के ऊपर बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं, आपने इन्फ्रिंजिंग कॉपी को किसी और के ऊपर फरोख्त कर दिया, तो आप इसमें आप जो है आप सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट की मुर्तकिब हो रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप उसको किराए पर देते हैं। पुराने वक्तों में हम मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था तो हम लोग जो है किताबें पढ़ा करते थे, नावल्स पढ़ा करते थे, उस ज़माने में इंटरनेट तो होता नहीं था, तो यहाँ पर पेशावर में ना बहुत सारी छोटी छोटी सो कॉल्ड लाइब्रेरीज हुआ करती थी सदर में, और वो क्या करती थी कि वो बाज़ार में जो नया मशहूर कोई नावल आता था ना
इब्ने सफ़ी का कोई नावल आ गया या इश्तियाक अहमद का कोई नावल आ गया, तो उसकी जो कॉपी थी वो खरीद लेते थे, ठीक है, वो खरीद देते थे, जेनवन कॉपी खरीद लेते थे। लेकिन उसके बाद वो अपनी इन सो कॉल्ड लाइब्रेरीज में उनको रखते थे और आपको कहते थे कि भाई जिसको ये रेंट वाली की कॉपी चाहिए तो वो 1 रुपए पर डे के हिसाब से हमसे रेंट पर ले ले। इसका ये अब हुआ क्या है, अब उन्होंने प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट किया, यानी कि उन्होंने उस कॉपी को अपने बिजनेस में उन्होंने डायरेक्टली उसको कॉपी किया और इलीगल तरीके से वो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लाइब्रेरी, सो कॉल्ड लाइब्रेरी वाले ने प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट की, लेकिन आप भी इस गुनाह में शामिल हैं। आप इस तरह गुनाह में शामिल हैं कि आपने उस दुकान से वो कॉपी रेंट पर ली है और आप उसको इस्तेमाल करें। काश मुझे भी इस बात का बचपन में पता होता तो मैं भी शायद उस लाइब्रेरी से ये किताबें ना लेता, लेकिन ये काम मैंने भी जो है अपने बचपन में किया हुआ है, ठीक है, मुझे किसी बड़े ने तो बताया नहीं था, चले आपको मैंने ये बात बता दी है, ठीक है ना, तो आप ये काम नहीं करेंगे। हमारे पास एक और जो हमारे पास तरीका होता है इन्फ्रिंजमेंट का, सेकेंड तरीका, वो ये है कि आप जो है वो इन्फ्रिंजिंग कॉपी को अपने किसी मफाद के लिए पब्लिक में डिस्प्ले करते हैं या इस्तेमाल करते, इस्तेमाल तो हमने ऊपर देख लिया था, लेकिन किसी किस्म का एग्जीबिशन करते हैं या उसकी फोटोकॉपीज जो हैं वो आप फरोख्त करते हैं इन्फ्रिंजिंग कॉपी के, तो वो भी अलाउड नहीं है। आप उसकी किसी किस्म की ट्रांसमिशन ऐसे करते हैं कि आपने किसी एक पॉइंट से किसी पॉइंट बी तक उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया, ये जानते हुए कि कोई ना कोई दरमियान में इसको चोरी कर लेगा, आपने जानबूझ के सिस्टम रखा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिज्म ऐसा कोई है जहाँ पर आप एक रियल कॉपी जो है, एक प्रॉपर कॉपी जो है, उसको आप ट्रांसमिट करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन आपको पता है कि रास्ते में कोई चोरी कर लेगा और आप अलाउ करते हैं कि वो चोरी करे, तो चूंकि आप अलाउ कर रहे हैं, आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जिससे कोई शख्स भी उसकी चोरी कर सकता है, तो ये जो है आप अलाउड नहीं है, ये आप सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि आप अलाउ करवा रहे हैं कि कोई शख्स भी उस कॉपी को रास्ते में चोरी कर ले। आप एक ऐसी जगह फराहम करते हैं जहां पर वो चोरीशुदा काम शो किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस दी जाती है या उसको शोकेस किया जाता है, तो ये काम आप खुद डायरेक्टली तो नहीं करें, लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, आपने कोई मिसाल के तौर पे चोरी का कोई ड्रामा है या चोरी की कोई मूवी है और उसको आपने लोकल सिनेमाओं में जो है ना छोटे छोटे आपने बनाए हुए हैं, सिनेमाओं में आप दिखा रहे हैं और रेंट वसूल कर रहे हैं, तो ये भी डिसअलाउड होगा। क्यों, ये क्यों डिसअलाउड होगा, क्योंकि आप जो है उस कॉपी को अपने जो फाइनेंशियल गेन के लिए यूज कर रहे हैं और वो चोरी का काम है। इस तरह अगर आप जो है किसी किस्म का ऑपरेटस प्रेमिसेस यानी कि जगह फराहम करते हैं आपकी जगह, ताकि वो कॉपीराइट परफॉर्मेंस वहां पर की जा सके, तो ये भी हमारे पास डिसअलाउड होगा। चोरी होने के हमने इतने तरीके देख लिए और हम बड़े परेशान हो गए हैं कि यार काम तो हमारा जो स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे रह सकती है, जो कि दिमाग से बनी हुई है, उसको बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन चोरी करने के 1,000 तरीके हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। अगर चोरी करने के 1,000 तरीके हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म्स हैं। एक जो हमारे पास सबसे बड़ा तरीका आता है उसको हम कहते हैं डिजिटल राइट प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा तरीका है डिजिटल राइट प्रोटेक्शन, यानी कि जब आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्क क्रिएट करते हैं, आप कोई गाना बनाते हैं, आपने एक नया गाना बनाया है, गाना रिलीज किया है, तो आप उस गाने के मेटा डेटा में उसको आप ऐसे इनक्रिप्ट करते हैं ताकि कल को वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये कॉपी जो है ये किसको बिलोंग करती है, किस ऑथर को बिलोंग करती है, कहाँ से आई है ये कॉपी, किसने बेची है ये कॉपी, उसका जो ओरिजिनल ओनर है यानी कि कहाँ से रिलीज हुई है, जो उसका पब्लिशर है, उसकी सारी डिटेल उसमें वहां पर क्लियरली मेंशन होगी उस गाने के साथ, ताकि कल को आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आया कहाँ से। नंबर 1। नंबर 2, आप मेक श्योर करेंगे कि वो गाना जो है वो कोई चोरी करके ना ले जा सके, और अगर कोई चोरी करके ले भी जाए तो वो उसको प्ले ना कर सके, वो उसको एंजॉय ना कर सके। अब ये काम MP3s में करना तो बहुत मुश्किल काम था, और MP3s में ये चोरियां बहुत ज्यादा होती थी, इवन जो मूवीज होती हैं उसमें भी चोरी करना बड़ा आसान है,
और MP4 फाइल्स होती हैं, कोई भी MP4 फाइल्स डाउनलोड करे तो वो उसको आराम से देख सकता है। दैट इज अ फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ डिजिटल राइट प्रोटेक्शन ऑन दोज फाइल टाइप्स। इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मॉडर्न मैकेनिज्म्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉन्ग्स और मल्टीमीडिया विच आर कॉल्ड स्ट्रीमिंग सिस्टम सच एज स्पॉटिफाई फॉर म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गाना फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स, नेटफ्लिक्स फॉर द मूवीज, ये जितनी भी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं इनमें ये कमाल है कि इनकी अपना एक इकोसिस्टम है। आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं और जितने भी गाने होते हैं, जितने भी मूवीज होते हैं, जितने भी शोज होते हैं, वो उस सिर्फ ऐप में ही चल सकते हैं। आप उनको उस ऐप से बाहर नहीं निकाल सकते। नंबर वन बहुत बड़ी बात। अब इसका ये नतीजा निकलता है कि चूंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस गानों को कि वो उसी ऐप में होगा, तो आप उसको कहीं, आप ये नहीं कर सकते कि स्पॉटिफाई ऐप में आपने कोई गाना सुन रहे हैं और आप कहें यार ये मैं यूएसबी में ले जाऊं और अपनी गाड़ी में चला लूं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो गाना उस ऐप से बाहर नहीं जा सकता। उसको वो इतना रिस्ट्रिक्ट रखेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ वहीं रहेगा। इवन अगर आप उस ऐप की मदद से उसको सो कॉल्ड डाउनलोड भी कर देंगे तो वो डाउनलोड भी उसी स्पॉटिफाई ऐप में, उसी नेटफ्लिक्स ऐप में रहेगा, वहां से नहीं निकल सकता। और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं कि क्योंकि काफ़ी आसान हो गया है इसको इनकी मदद से देखना और जो ओवरऑल प्राइसेज हैं वो भी डाउन हो गई हैं, तो लोग जो है वो खुद ही जो है वो टोरेंट वगैरह से डाउनलोड करने के बजाय इन स्ट्रीमिंग वेबसाइट से गाने वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि डिजिटल राइट प्रोटेक्शन का ये एक बहुत ही खूबसूरत और एलेबोरेट मैकेनिज्म है। ये स्ट्रीमिंग म्यूजिक, ये स्ट्रीमिंग का जो मैकेनिज्म है जो कुछ ही साल पहले रिलीज हुआ है, ये जो है मेक श्योर करता है कि आपकी जो कॉपिंग जो है वो कोई और ना कर सके। यही काम जो है ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, यही काम जो है ये सॉफ्टवेयर में भी है। अब आप पूछेंगे सॉफ्टवेयर में ये काम कैसे किया गया। सॉफ्टवेयर में ये काम ऐसे किया गया है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की चोरी हुई कॉपी जो है अपने पास रखी है, चोरी शुदा कॉपी आपने कर दी अपने पास रख दी। अब इसके साथ होता यह है कि आजकल विंडोज के लिए मस्ट है कि आपकी जो कॉपी है वो हर वक्त विंडोज के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे, और विंडोज जो है वो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ रब्ता करता है तो वो बड़े आराम से चेक कर सकता है कि क्या ये चोरीशुदा कॉपी है या ओरिजिनल। इवन अगर आप उसको हैक भी कर दें, आपने बड़े हैक्स लगाए हुए हैं और बड़े मैकेनिज्म लगाए हैं, उसके बावजूद भी अपडेट्स उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होंगे, अपडेट्स उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होंगे। अगर आप अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो जो आपका जो हैक है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि अगर कोई शख्स चोरी का विंडोज चलाता है तो उसकी जिंदगी एक अजाब में मुब्तला रहे। किस तरह? क्योंकि वो अपडेट्स इंस्टॉल कर नहीं सकता। जिसने हैक किया है, जिसने हैक करके उसके लिए विंडोज काबिल इस्तेमाल बनाया है, वो उसका डेटा चोरी चोरी करके वो भी जो है ना हैकर्स को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई मुफ्त में तो काम करता नहीं है। तो ये भी होगा एक वाक्य, एक तरीके। तो लोग जो है वो फिर डिजिटल इस तरह की प्रोटेक्शन में या प्रोटेक्शन की वजह से वो फिर जेन्युइन विंडोज की तरफ जाते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हम बात करते हैं, अगर आप चोरी का ऑफिस इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर अपडेट्स बंद हो जाएंगे, किसी किस्म का अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो जो उसका हैक है वो खत्म हो जाएगा और वो फौरन आपको कहेगा कि आपकी कॉपी अनरजिस्टर्ड है, अनपेड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की भी हमने डिस्कस कर ली कि उसके अंदर जो डिजिटल राइट प्रोटेक्शन है वो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अलावा अगर हम बात करें, हमने म्यूजिक को देख लिया, हमने सॉफ्टवेयर में देख लिया, हाँ गेमिंग, गेमिंग गेमिंग हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आप चोरी की कोई बड़ी गेम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं जिसका साइज 20 या 30 GB होगा, तो आजकल चोरी की गई गेम्स जो है उनको चलाना बहुत ही मुश्किल है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैक्स लगाए जाते हैं ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वो सर्वर से रابطہ करते हैं तो सर्वर उसके ऊपर उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करता है, उस गेम में चेंजेस करता है, और विद इन अ फ्यू मंथ्स में भी वो गेम जो है वो दोबारा अनप्लेएबल हो जाती है। ठीक है, और आपको बेसिकली मजबूर किया जाता है कि आप ओरिजिनल कॉपी खरीद के इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वो इतनी मुश्किल बना देता है चोरीशुदा कॉपी के साथ कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उसको ओरिजिनल कॉपी इस्तेमाल करें।
हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिजिटल राइट प्रोटेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी कॉपी, आपके जो प्रोग्राम है, आपका म्यूजिक है, आपका बनाया हुआ इंटेलेक्चुअल जो वो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो चोरी ना कर सके। और अगर कोई चोरी करे तो उसके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल बना दो, उसके लिए कॉस्ट ऑफ चोरी इतनी ज्यादा कर दो कि वो मजबूर हो जाए ओरिजिनल कॉपी लेने पर, या ओरिजिनल कॉपी उसको ज्यादा आसान पड़े वो उसके लिए जो है कुछ पैसे खर्चे, तो वो ज्यादा आसान होता है। एंड्रॉयड के ऊपर जो एप्स होती हैं उसके ऊपर पहले जो है ना उसकी APK फाइल्स चोरी होना बहुत आसान होता था और कोई भी शख्स जो है उसको चोरी करके इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब जो है वो गूगल प्रोटेक्ट के नाम से उसके ऊपर डिजिटल राइट प्रोटेक्शन का एक सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है गूगल ने, टू मेक श्योर कि आपकी जो APK फाइल्स जो आप लोग पहले चोरी करके इस्तेमाल कर लेते थे वो काम जो है वो आप न कर सकें। अब न कर सके तो नहीं होता, लेकिन हाँ मुश्किल कर दिया हमने, चोरी को मुश्किल कर दिया, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने, ये तो खैर हमने तफसीली देखा राइट प्रोटेक्शन को, कुछ और तरीके जो हमारे हो सकते हैं वो ये है कि कॉपी को रोकने के लिए ये किया जा सकता है कि जो कॉपी की जो क्वालिटी है, जो भी कॉपीज हैं और अगर वो इलीगल हैं तो उनकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दो। अगर गाना HD में है तो उसकी HD लेवल को खत्म कर दो, गाना तो सुन रहे होंगे लेकिन उस तरह एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मेटा डेटा उसके साथ अटैच करें कि ये किसका है, ताकि उसको हम मैनेज कर सकें। कॉपीराइट लॉ है तो थियोरेटिकली बड़ा खूबसूरत, लेकिन उसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स कॉपीराइट लॉ इन ए डिजिटल एनवायरनमेंट। व्हाई? मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं अमेरिका का कोई सॉफ्टवेयर चोरी कर लूं तो अमेरिका का जो कानून है वो तो मेरे ऊपर लागू नहीं है ना। अमेरिका से वो सॉफ्टवेयर आके सॉफ्टवेयर कंपनी वाला मुझे जो है जेल में कैसे डालेगा? नहीं डाल सकता ना, मैं तो पाकिस्तान के कानून के तहत आता हूँ। तो इस वजह से उसके लिए लॉ जो है वो उसके सॉफ्टवेयर के लिए यूजलेस हो जाता है। द ओनली वे ही और शी और दैट कंपनी कैन प्रोटेक्ट हिज सॉफ्टवेयर इज बाय इनकॉर्पोरेटिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट यूज द कॉपी, एंड इफ यू ट्राई टू यूज द कॉपी देन योर लाइफ बिकम्स हेल वाइल यूजिंग दैट कॉपीड वर्जन, ठीक है। एंड दैट इज द ओनली वे, बेसिकली प्रैक्टिकल वे, ओनली प्रैक्टिकल वे फॉर यू टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज लॉज आर नो मोर इफेक्टिव इन दिस डिजिटल एरा। अच्छा, अगर कोई शख्स, हमने देखा कि कॉपी प्रोटेक्शन में ये बात भी आ जाती है कि अगर कोई शख्स खुद कॉपी नहीं करता लेकिन वो इंपोर्ट करता है, फरोख्त करता है, किसी किस्म का रेंट पर लगाता है कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसे तरीकेकार जिससे आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन को सरकमवेंट कर लेते हैं या उसको साइड से कर लेते हैं, ठीक है, या किसी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करते हैं जिससे ये काम कोई और कर सके, यानी कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन को तोड़ सके, तो हम उसको, उस शख्स को भी जो है कहेंगे कि ये शख्स जो है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, यानी कि उसने खुद तो ये काम नहीं किया, आई मीन वो खुद अपनी इंजॉयमेंट के लिए तो नहीं कर रहा, लेकिन उसने ये पॉसिबल बना दिया है किसी और के लिए ताकि वो चोरी का माल इस्तेमाल कर सके, तो ये काम भी हम अलाउ नहीं करेंगे और उसको इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में हम शामिल करेंगे। कॉपीराइट के इस्तेमाल, कॉपीराइटेड प्रोग्राम्स को बगैर खरीदे इस्तेमाल के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम, जो के परमिटेड हैं, उन ऑप्शंस को हम कहते हैं फेयर यूज। फेयर यूज का मतलब ये है कि आपने एक कॉपीराइटेड काम जो है वो बगैर खरीदे आप उसको जो है वो यूज करें, लेकिन इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब वो फेयर डीलिंग कौन सी होगी? नंबर वन, अगर आप रिसर्च पर्पसेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं कि यार मैं गाने के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये जो है ना ये म्यूज़िक का स्टाइल क्या है, या ये जो ये शायरी है, ये लिटरेचर जो है ये कौन सी टाइप का है, या किसी और टाइप की रिसर्च आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अलाउड है, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को अगर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल गेन तो आप ले नहीं रहे, तो दैट इज़ परफेक्टली अलाउड। प्राइवेट स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद अपनी जाती स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे, तो वो भी अलाउड है। या आप किसी किस्म का फेसबुक पेज बना के बैठे हैं और उस गाने के ऊपर आप
जो है वो, या वो किसी सॉफ्टवेयर, आपने कोई गेम है उसका कोई रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं, जी ये कैसा काम करती है, ये गेम अच्छी है, ये गेम बुरी है, तो ड्यूरिंग योर रिव्यू और योर क्रिटिसिज्म, अगर आप उस सॉफ्टवेयर को, उस गाने को, उस मूवी को, के क्लिप्स को अगर आप शाये करते हैं, तो ये आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इस फॉर द पर्पज ऑफ फॉर एनी एनी प्रोफेशनल पर्पज, बट यू आर ओनली यूज इस टू क्रिटिसाइज इट और टू रिव्यू इट, ठीक है ना। मूवी रिव्यूज हो गए, सॉन्ग रिव्यूज हो गए, सॉफ्टवेयर रिव्यूज हो गए, दे डू नॉट कम इन टू द एम्बिट ऑफ कॉपीराइट लॉ। इसी तरह अगर आप किसी प्रोग्राम को, किसी गाने को, किसी लिटरेचर के वर्क को, प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ को अगर आप किसी टीवी के ऊपर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अखबार में शाया कर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए कि जी कोई चीज़ बनी है, अक्सर हम देखते हैं अखबार में मूवीज के बारे में बताया जाता है, उनके गानों के बारे में बताया जाता है, या क्लिप्स हम देखते हैं टीवी के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के क्लिप्स दिखाई दे रहे होते हैं, तो ये फेयर यूज़ है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आप रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज़ द फेयर यूज़। आपके पास कोई प्रोग्राम है और ख़रीदा है, आपने जेनुइनली ख़रीदा है, और अगर आप उसकी बैकअप कॉपीज रखते हैं ताकि फॉर योर ओन पर्पज़, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, तो वो भी जो है वो लॉफुल है और अलाउड है। एक केस हमारे पास ये आ जाता है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, मिसाल मिस्टर सज्जाद के पास एक प्रोग्राम है और वो मिस्टर कामरान को भेज देता है, और कामरान जो है उसके पास उस प्रोग्राम के सारे लॉ राइट्स आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर कॉपी के सारे राइट्स आ जाते हैं, लेकिन सज्जाद साहब जो है वो उसकी जो कॉपी उसने दे तो दी है, लेकिन उसने अपनी ओरिजिनल कॉपी जो अपने पास रख के बैठा हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ, सज्जाद ने एक प्रोग्राम खरीदा है, एक गाना खरीदा है, लेकिन उसने उसको फरोख्त कर दिया किसी और के पास। अब सज्जाद के पास उसकी ओरिजिनल कॉपी तो पड़ी हुई है, उसने तो एक कॉपी आगे वाले को, मिस्टर कामरान को दी है, तो सज्जाद जो है क्या वो लीगल काम कर रहा है इसको इस्तेमाल करते हुए? तो बात पॉइंट ये कि वो जो अगर पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, फॉर योर पर्सनल यूज, तो वो परमिटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस कॉपी को कामरान को बेच दिया है, और अब उसका कोई इख्तियार नहीं रह जाता कि वो उसको अब इंजॉय करे। अगर वो चाहता था कि वो कोई और इंजॉय ना करे, उसको चाहिए था कि वो मन ना बेचता, लेकिन उसने चूंकि उसको फरोख्त कर दिया है, तो दैट इज वाई ही इज नो लॉन्गर अलाउड टू यूज दैट कॉपी। अच्छा, हमने ये देखा था कि कॉपीराइट वर्क जो हमारे पास अगर हो, किसी किस्म का आर्टिस्टिक वर्क हो, तो उसके जो कॉपीराइट का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन उस आर्टिस्ट की ज़िंदगी और उसके बाद के 70 साल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो कि अच्छा खासा लंबा अरसा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें डिज़ाइंस की, डिज़ाइंस प्रिलिमिनरी स्टेप होता है बिफोर एन एक्चुअल प्रोडक्ट गेट्स क्रिएटेड। एक्चुअल प्रोडक्ट हैज़ कॉपीराइट, बट डिज़ाइन इज़ प्रोटेक्टेड बाय समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है। तो अगर हम देखें डिज़ाइन में, हमारे पास इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग ऑन सम पेपर, ऑन सम टचेबल मीडियम, और इफ़ यू आर स्टोरिंग इट इन सम अदर वे, वी कैन यूज डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल आइटम सच एज क्रॉकरी, फर्नीचर, कार्स, प्लेन्स एंड शिप्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देन यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सीक्वेंस डायग्राम्स, सम डेटा फ्लो डायग्राम्स, और सम अदर डिज़ाइन दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट दैट प्रोग्राम। नाउ कॉपीराइट जो लॉ है वो इस बात को तो बिल्कुल ज़ाहिर रोकेगा कि आप ये डिज़ाइन जो है कोई आपका कॉपी ना कर ले, उसको चोरी ना कर ले, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि कॉपीराइट लॉ बजाते खुद जो है वो 70 70 साल तक चलता है, और अगर एक शख्स खुद 75 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है और उसके बाद फर्दर मोर 70 ईयर्स जो है वो उसका कॉपीराइट रहता है, तो दैट्स अ वेरी पनिशिंग लॉ देन, ठीक है ना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू यूज़ इट, और बेसिकली इनोवेशन जो है वो हवा में नहीं होती, आपको किसी और का प्रोडक्ट जो है उसको किसी हद तक देखना पड़ता है, और उसी को हम जो है कॉपी तो नहीं लेकिन इमिटेट करके या थोड़ा सा उस पर से नकल करके उसी को हम इंस्पिरेशन के तौर पे लेके हम आगे लेके चलते हैं। तो यस, देर शुड बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और वो कॉम्प्रोमाइज ये है कि डिज़ाइन जो है ना उनको हम टिपिकल कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं करते।
इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो कॉपीराइट है, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई मशीन टूल बना रहे हैं और वो टूल जो है वो कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है, तो वो जो टूल होगा बजाते खुद उसका जो डिज़ाइन है वो कॉपीराइट लॉ के तहत प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन अगर वो टूल जो है उसकी मदद से आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और कोई शख्स जो है उस प्रोडक्ट को देख के उससे इंस्पायर होके, उससे इंस्पायर होने के बाद कोई प्रोडक्ट को डेवलप करता है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, तो ही शुड बी अलाउड टू डू सो, ठीक है। एंड कानून इस तरह की कॉपिंग को नहीं रोकता, यानी कि डिज़ाइन जो है वो प्रोटेक्टेड है, डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका उससे बना हुआ टूल को देख के, मिलता जुलता टूल देख के, उसको क्लोजली एग्जामिन करके अगर कोई उसी तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली अलाउड इन दिस कॉपीराइट लॉ। हमने एक सेपरेट डिस्टिंक्शन की है डिज़ाइंस की और इवेंचुअल प्रोडक्ट की। इवेंचुअल प्रोडक्ट जो है वो एक टिपिकल कॉपीराइट लॉ के तहत आता है, डिज़ाइन टिपिकल कॉपीराइट लॉ से थोड़ा सा हटके है। और डिज़ाइन का रूल क्या हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, हमने ये देखा था कि अगर डिज़ाइन बजाते खुद कॉपीराइट लॉ के अंडर होगा, लेकिन उस डिज़ाइन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट को अगर देख के कोई बंदा थोड़ा बहुत इंस्पायर होके कोई प्रोडक्ट बनाता है, हाँ उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं, अगर इंस्पायर होके कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है तो उसको हम कानूनी तौर पे नहीं रोकेंगे। कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है तो अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन लॉ, यानी कि डिज़ाइन लॉ जो है या डिज़ाइन राइट्स जो हैं, वो एक बड़ा पावरफुल टूल है डिज़ाइन प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम इसके अंडर बहुत सारे सर्किट बोर्ड्स, कंपोनेंट डिज़ाइन, ये सब हम इसके अंडर जो है वो हम लेके आ सकते हैं और इसको हम उसके अंडर गवर्नेंस के लेके आ सकते हैं। डिज़ाइन लॉ बेसिकली कब तक चलता है? डिज़ाइन लॉ 15 ईयर्स तक चलता है, जब आप बनाते हैं उसके 15 साल तक जो है वो चलता है, यानी कि 70 साल तक नहीं चल रहा। डिज़ाइन लॉ ओनली एग्जिस्ट फॉर 15 ईयर्स, कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं 15 साल बाद उसका डिज़ाइन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा उसका लाइसेंस, एंड यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसी किसी तरह आपने किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसको रखा हो, अगर आपने सिर्फ दिमाग में उसको स्टोर किया हुआ है तो दैट इज़ नॉट परमिटेड। इसी तरह अगर वो मशीन टूल में बनाया गया, ऑटो कैड वगैरह में वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है, तो उसको आप मेमोरी में सेव कर सकते हैं और उसको हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी सेव कर सकते हैं, और दैट वुड बी सफिशेंट एविडेंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। किसी किस्म की सरफेस डेकोरेशन अगर आपने की हुई है, किसी किस्म के फ्लावर्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो वो डिज़ाइन में नहीं आएंगे, ठीक है ना, और वो डिज़ाइन राइट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। ट्रेडमार्क्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट आर ट्रेडमार्क्स? ट्रेडमार्क्स मीन्स और ट्रेड नेम्स किसी भी कोई मशहूर कंपनी का नाम, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये वो सारे नाम हैं जो कि उसको मुमताज़ बनाते हैं बाकी भी किसी भी कंपनी से। उनकी नाम की अपनी पहचान होती है और उसी के नाम के साथ कोई लोगो होता है, जिस तरह एप्पल का जो एप्पल का लोगो है, एप्पल है बेसिकली, और गूगल का भी अपना लोगो है, ओप्पो का भी अपना लोगो है, हर एक मशहूर कंपनी भी हो उसका अपना एक लोगो होता है, और वो लोगो उसको आइडेंटिफाई भी करता है और उसको उसकी वो पहचान भी होता है, उसको हम ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। बहुत वैल्यूएबल एसेट है ये, बहुत कमर्शियल एसेट है, और इसका कमाल ये होता है कि अगर ट्रेड नेम है वो पॉपुलर है तो वो अपने तरह की और कंपनियों से बिजनेस जो है वो उठा के अपने पास ले आएगा। मिसाल के तौर पे बर्गर KFC वाला बनाता है, बर्गर जो है वो बहुत सारी और शॉप्स में भी KFC से अच्छे बर्गर मिलते होंगे, लेकिन लोग फिर भी KFC के पास जाते हैं क्योंकि KFC का एक नाम है और उस नाम की वजह से वो सारा पैसा कमाता है। इसी तरह डिज़ाइनर क्लोथिंग देखते हैं हम, या डिज़ाइनर जो और भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी कंपनी है, तो हम बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर लेते हैं, किसी अननोन कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है, इवन दो कि वो उतना ही अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको नहीं खरीदते क्योंकि उसकी रेपुटेशन इतनी नहीं होती। ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है,
ऑटोमेटिकली कोई नाम जो है वो रजिस्टर नहीं हो जाता, जिस तरह कॉपीराइट हमने देखा था ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपको कोई रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रेडमार्क जो है उसके लिए आपको किसी एक रजिस्ट्रेशन बॉडी के पास जाके उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपको इस बात का बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेडमार्क है वो कहीं ऑलरेडी तो कोई और यूज़ नहीं करा, कहीं आप किसी और से मिलता जुलता प्रोडक्ट जो है वो कहीं रख के तो नहीं बैठे हुए, किसी और से मिलता जुलता प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि उसका नेम कहीं पहले से यूज़ हो रहा हो, तो आपने ऐसा नाम नहीं यूज़ करना। इसी तरह ट्रेड नेम्स या ट्रेडमार्क ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसको कहीं पर जो है वो यूज़ करना किसी और मुल्क में लेके जाएं और उसको जब ट्रांसलेट करें तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर उसका जो नाम है वो बहुत डिफरेंट हो और एक्सेप्टेबल ना हो। उसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो आपको इस स्लाइड में नज़र भी आ रही हैं। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रांसपोर्टिंग योर ट्रेड नेम्स टू अदर कंट्रीज। ऐसा ना हो कि वो ट्रेड नेम जो कि आपके पास बहुत प्यारा आपको लगता हो, आपको ख्याल में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जब आप उसको कहीं और लेके जाएं, किसी और जगह पर लेके जाएं, तो उसका बिल्कुल टोटली मतलब ही चेंज हो जाए और एक्सेप्टेबल वो ना रहे।